नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। मेरा नाम संतोष सिंह हुआ। अच्छा, ये मंदिर का कुछ हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है? मंदिर का हिस्ट्री है, ये मंदिर पहले बना हुआ था तो पीपल गाछ का जड़ होने का कारण ही फट गया था। अच्छा, बहुत ज़्यादा फट गया, डैमेज हो रहा था। तो हम हमेशा हर मंगल को यहाँ पूजा करते हैं, सब दिन करते आए जब से मंदिर बना है करते हैं। तो फटा हुआ देख करके हमको खराब लग रहा था, हम अपना घर बना रहे थे तो इस तरह लग रहा था कि बैद जंगली हमको बोल रहा कि अपना घर बना रहा, मेरा क्यों नहीं बना है। यही सोच करके हम पाड़ा में मीटिंग बुलाएं, बुला करके सबको बोले कि ऐसा इस तरह का। कितने दिन पहले मीटिंग बुलाया था? करीबन डेढ़ साल पहले। डेढ़ साल पहले मीटिंग बुला करके उसको, उसके बाद मंदिर को तोड़वाएं। तोड़वाने के बाद फिर बहुत सारा लिटिगेशन हुआ इसमें, बहुत कोई रोकना भी चाह रहा था कि मंदिर ना बने, ये हो जाए, किसी को बोलता मेरा जमीन में है ये वो, बहुत झमेला हुआ, केस भी हुआ। वो सब होने के बाद किसी तरह मंदिर भगवान का देन था, बाबा का, उसका बन गया, खड़ा हो गया। कितना टाइम लगा मंदिर बनवाने में? इसको बनाने में डेढ़ साल लग गया हमको। डेढ़ साल लगा मंदिर बनवाने में। अच्छा, इसमें कुछ आदमी जो मेरा सपोर्ट किया उसको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो मंदिर बनाने में मेरा पे विश्वास किया या जो भी किया। अब तक कितना खर्च हुआ होगा मंदिर बनाने? मंदिर बनाने में 5 लाख रुपया करीबन खर्च हुआ, और प्रोग्राम में 4-5 लाख खर्चा, 10 लाख का बजट हो गया। लेकिन प्रोग्राम का रिस्पॉन्स अच्छा मिला ना? कहाँ कहाँ के लोग आए प्रोग्राम में? प्रोग्राम में नियामतपुर का तो सारा लोग आया, कुछ बाहर से भी आए, गेस्ट वगैरह अंडाल हुए, धनवाद हुए, बड़ाकर हुए, जमुड़िया का प्रोग्राम करवाए थे, सारा लोग आए। हम लोग, मेरा जो आपका ये कीर्तन था वो जमुड़िया से आए थे। अच्छा, बजरंगबली का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है ना नियामतपुर एरिया में? ये नियामतपुर के एरिया में इससे बड़ा मंदिर है, बजरंगबली है आपका सामने ही हरिबोल में। अच्छा, मगर उसके बाद यही है बड़ा। ये बड़ा होने का कारण, और मेरा वो मूर्ति खंडित हो गया था इस कारण से, वो मूर्ति को साइड करके वहाँ पे बड़ा मूर्ति रखा गया है, उस मूर्ति का विसर्जन कर देना होगा क्योंकि खंडित मूर्ति का तो पूजा होता नहीं है। तो देखा कि आपके साथ बहुत यूथ के लड़के हैं, इनका सपोर्ट कैसा था? नया लड़का लोग भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है इस मंदिर को बनाने में। जिस तरह ये तो मंदिर हम चंदा ले लेकर के किसी से 2 बोरा सीमेंट, किसी से 1 बोरा सीमेंट, कि वही 100 रुपया, कोई 200 रुपया करके बनाएं। इसमें नया लड़का लोग भी बोलता था कि हम लोगों को दरकार लगेगा तो बोलिएगा, जब जिसको जैसा दरकार लगा, जिसको भी यूज करना था जिस उसको यूज किए, वो मेरा बात सुना करते गया, आज मंदिर खड़ा हो गया। चलिए, हम लोगों को भी अच्छा लगा आप सब। मनोज सिंह है। अच्छा, आप लोगों ने क्या कार्यक्रम किया? हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम, हमारा उत्तरांचल हनुमान मंदिर का 24 अप्रैल को हर वर्ष का प्रोग्राम होता था, लेकिन चुनाव के कारण हम लोग का इस बार प्रोग्राम काफ़ी लेट हो गया, बरसात का मौसम है पूरा। फिर भी हम लोग बहुत अच्छा ज़ोर शोर से प्रोग्राम किए, आज हमारा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, 4 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम में क्या क्या हुआ? प्रोग्राम में हमारा सबके पहले तो शिव चर्चा का प्रोग्राम हुआ, जो लेडीज़ लोग अभी बेजोर चल रही है, तो सारे मोहल्ले के लेडीज़ और दूर दूर के महिलाएं आके यहाँ पे शिव भगवान का भजन कीर्तन किया। दूसरे दिन हमारा जुलूस निकला बहुत धूमधाम से नियामतपुर देवी मंदिर के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे आके हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद हमारा अष्टजाम हुआ, उसके बाद आज हमारा मतलब नर नारायण भोजन का जो खाने पीने का प्रोग्राम था, भोजन हुआ। हाँ, सारे कितने लोग शामिल हुए थे? मोटा मोटी 2000 लोग खाना खाया यहाँ पे, और जुलूस में भी मोटा मोटी ने भी तो 2-2.5 हज़ार लोग थे। एक बार 10 लाख का बजट था, 5 लाख 4 लाख रुपये मंदिर में डूब गया। हाँ, बाजार से सारा सहयोग मिला हमारा, हमारे मोहल्ले का सब लोग का साथ मिला हमें,
हमारा कमेटी सारा मेंबर लोग एकजुट होकर ये काम को अंजाम दिया। मंदिर का देखरेख कौन लोग करते हैं? मंदिर का देखरेख सारे मोहल्ला करते हैं। कुछ कमेटी के भी लोग हैं? कुछ कमेटी के भी लोग हैं। कुछ लोगों का नाम बताइए जिनका सपोर्ट से ये मंदिर इतना अच्छा बना। हमारा कमेटी में तो अभी तो मैं मनोज सिंह, मैं ही ये मंदिर का निर्माण किया हूँ। हमारा भाई है संतोष सिंह, छवि यादव है, सुरेश गुप्ता हमारा केसीआर है, भोला राउत भी हमारा केसीआर है, लाल बाबू है हमारे दोस्त, वो भी मंदिर में है, सुरेश गुप्ता भी है। भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हर साल होता है, हम लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। बहुत हमारे जो मोहल्ला के हैं और मनोज सिंह के चादर इसी के थ्रू से और सब हम लोग का कमेटी है, इन लोग का थ्रू से बहुत अच्छा से प्रोग्राम होता है। हर काम ही शांतिपूर्वक हुआ है। आज भी प्रोग्राम है, कीर्तन उर्तन भजन उजन रात क्या गए उन लोगों को, तो हम धन्यवाद देते हैं जो उन लोग को। इतना अच्छा शनिदेव का मंदिर यहाँ नहीं था। अब शनिदेव का मंदिर में कितना आदमी शनिवार को कहाँ कहाँ खोजता है, यहाँ पर रहेगा तो सब अपना जो शनिदेव को मानते हैं, शनिदेव को, बजरंगबली को, सब अपना अपना करेंगे।